हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे दिलेरी भाइयों? तो देखो भाइयों, हर किसी एजेंट के या हर किसी बंदे के पीछे सीनियर या इंसेंटिव का डंडा होता है। तो यहाँ पर भाई से बात हुई, भाई कह रहे थे सर कार्ड रोटेट करा लो और अंदर की बातें भी बताएं। तो कहीं ना कहीं दुख हुआ सुनकर कि यार बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। सीनियर जो TLA अच्छी करके ले रहा है भाई की, तो भाई ने अपने दुख बताए। वो इसलिए क्योंकि सामने से जो मैंने बातें करी उससे अच्छी लगी भाई को, इसलिए इसने अपने दुख बताए। तो ऐसे जैसे कि इसमें इससे बात हुई, आपको इस बात से पता चलेगा कि ऐसे होता है इनके पीछे डंडा सीनियर का और इंसेंटिव का। इंसेंटिव की तो देखो दोस्तों, जितना पैसा आदमी कमा ले उतना कम होता है, तो हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाए अपने लिए, घर परिवार के लिए। बाकी जो सीनियर का डंडा होता है वो भाई ने अपने मुँह से बताया आगे, तो चलिए सुनते हैं। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत सेक्सी जी, मैं भी बढ़िया हूँ सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। और बताइए रोहित जी, कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ, वन चार्ट से बात कर रहा हूँ सर। आपका व्यू आ रहा है सर। कस्टमर का नाम क्या है भाई? कोहली। क्या? प्लास कोहली कस्टमर का नाम है? हाँ जी। आपने थोड़ा बोलने में कहीं ना कहीं कुछ वे आपका लगता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। क्या बोल रहे थे? आपका वे थोड़ा लगता बोलने का, तो मैं समझ नहीं पाया आप बोलने के चाह रहे हो। ठीक है जी, बताइए। अच्छा, प्लस कोहली बात कर रहे हैं ना? हाँ जी जी, मैं ये बोल रहा था कि आपका पेमेंट ड्यू आ रहा है सर, फोन कार्ड का बिल। जी बताइए कब तक पेमेंट हो जाएगा सर, क्योंकि ऑलरेडी जब तक हमारा जी चाहेगा जी, जब तक हमारा जी चाहेगा, मतलब अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा, बाकी करता है तो आपको कॉल कर लेंगे। मतलब अभी पेमेंट नहीं है या करना नहीं चाहते? पेमेंट नहीं है तो रोटेट करवा लीजिए। अच्छा, सुपरवाइजर बोल रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो? सुपरवाइजर बोल रहे हो क्या? नहीं मालिक। एफओएस? नहीं मालिक। तो कौन बोल रहे भाई? रिकवरी से बात कर रहा हूँ, आपका डेटा आया था इसलिए बोल रहा हूँ। भाई साहब, रिकवरी में कुछ तो पोस्ट रखते हो गए। फील्ड एग्जीक्यूटिव हूँ। एफओएस ही बोलते हैं मेरे बड़े भाई इसको। चलिए से बोलते हैं सर। आपका क्या नाम बताया था? रोहित बात कर रहा हूँ। एक काम करो सुबित, बताइए। हम इसको जो है ना अभी तो खैर नहीं करा रहे, क्योंकि हम इसको जो है ना अभी राइट ऑफ में लेकर जाना है, कोड़ियों के दाम पर आने पर सेटलमेंट करना है। अच्छा, आपको सेटलमेंट करना है? कितने परसेंट में? वन कार्ड से बोल रहे हो? वन कार्ड आपको तो ऐसे हो जाएगा 12% करीबन हो जाएगा। 12% में? हाँ, वन कार्ड सर पॉसिबल नहीं है ना इतना। भाई साहब लेटर पड़ा है मेरे पास, हो जाता है। आप भेज सकते हैं सर? दे सकता हूँ भाई, लेकिन दूसरे तरीके से दूंगा। बताइए, आपके पास दो फोन है? क्या हुआ? दो फोन है आपके पास? दो फोन, एक ही फोन है सर। इस फोन में इंस्टाग्राम खोलिए। ठीक है जी, छाटना पड़ेगा वन कार्ड का, मैंने बहुत टाइम पहले देखा। व्हाट्सएप नहीं यूज करते आप? नहीं भाई, व्हाट्सएप तो कभी नहीं यूज करते। इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। नहीं भेजना नहीं भाई, एक आईडी चेक करनी है आपको, सुन जाएगा। क्या बोल रहे? एक आईडी चेक करनी है आपको, उसमें मिलेगा। आईडी में बताइए आईडी। कुणाल कुमार। एक मिनट एक मिनट, बताइए। कुणाल कुमार। सॉरी, कुणाल कुमार। कुमारी कुमार? कुणाल, कुणाल कुमार। कुणाल, कुणाल, कुणाल कुमार। हाँ जी, कुणाल कुमार। कुणाल कुमार के वी वी वैन वाला भी के भी। हाँ जी, कुणाल कुमार के भी। 39 पोस्ट, 1875 फॉलोवर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना।
हाँ ये इसमें आपको चेक करना पड़ेगा बहुत सारे लेटर। कुणाल, इंडसलैंड बैंक, ये सेटलमेंट, भाई साहब बहुत सारे आईडीएफसी लेटर बैंक, देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं देख के बता दूंगा आपको कौन से नंबर। बजाज, SBI कार्ड, कुणाल कुमार प्रेफर, एक्सिस, तो वन कार्ड का हो गया लाइन लगा कर रखे हो मालिक भाई, हर चीज मान लेता ना करते यार, गजब ग्रेट भाई। यार कमाल के बंदे हो यार, क्यों भी बोलो सल्यूट है आपका, तो सल्यूट है, दिल से सल्यूट है। ऐसे तो दिल से ऐसे हमारे जो सल्यूट, भाई बंधु हमें देखते हैं वो भी यही कहते हैं भाई सल्यूट है यार, दिल से सल्यूट है यार, दिल से। HDFC 19.6%, भाई हम तो ऐसे भटते हैं, लो भाई जिसको जितना जिए जरा ले लो। देखो ये आया अपने हाथ में पूरे थोड़ा सा, अच्छा, वन कार्ड, वन कार्ड, एक मिनट। हाँ ये कुणाल कुमार व्यू, ये इट इज, एक मिनट मालिक, एक मिनट, 2,97,000 वाला देख लिया क्या? 2,97,000, हाँ 2,97,000 नहीं भाई, 29,792 रुपये, 29,792 रुपये, 7,500 नहीं सॉरी 77,000, 77,000। हाँ जी ये थोड़ा कम का है, मतलब ये 25% का है, और कहाँ RBL, और भी पड़े हैं इसमें RBL यार, वन कार्ड का इसमें 11% का लेटर पड़ा था, कहाँ चला गया? वैलिड लेटर है ना, चेक करवाऊँ सर? चेक करवा लो, वैलिड है भाई। हाँ ऐसे भी होता है ना सर, बहुत सारा एडिट करके भी डालने वाला। नहीं बड़े भाई, हम तो भाई पूरा कह रहे हैं चेक कराओ कि आया हाथ में, कौन सा है इंटरेस्ट। कितने सर लोन के मिल कैसे गया सर? भाई ये हमारे लेटर नहीं है, ये जो हमारे भाई बंधु उनसे जुड़े हुए हैं ना। अच्छा सर, चैनल चलता है भाई हमारा, अच्छा आपका चैनल चलता है, मैं चैनल देखता हूँ, क्या नाम चैनल का? कुणाल कुमार, द कुणाल कुमार, कुमार की की भी। द कुणाल कुमार या कुणाल कुमार ऑफिशियल देखता हूँ। मतलब आप इसमें जो भी, मतलब मानी मैं अपना सेटलमेंट करवाया किसी कंपनी से हो या कहीं से भी, तो आपको मैं, मतलब आप उस चीज को अपलोड करते हो ना, एक तरीके से जैसे आप लोगों को भटकाते हैं ना एजेंट की, सर इतने में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा, ये बोलो लेटर मुंह पर। अच्छा यार मिलने वो वाला मुझे 11% का लेटर पड़ा था, इसमें वन कार्ड का, मतलब ये सब वैलिड लेटर होते हैं, मतलब जो जो वाला करवाए जहाँ से भी करवाए। तो भाई आपसे पूरा कह रहा हूँ भाई, आप चेक करा लो। आपके कितने, आपके आपके खुद के नाम के कितने लेटर हैं सर? मेरे नाम से एक भी नहीं है। नहीं ये तुम्हारा लैंडिंग कार्ड का है, वन कार्ड का तुम्हारा 20% में हो जाएगा। नहीं आपके नाम पे सिर्फ वन कार्ड का है? नहीं मेरे नाम पे एक भी नहीं है भाई। तो फिर ये वन कार्ड का है, सेटलमेंट करवाते रहते हैं भाई। ये फिर क्लास कॉल ही कौन है? सेटलमेंट करवाते रहते हैं हमारे भाई बंधु, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉय है ये। तो मैं इनको कॉल किया तो आपका नंबर यहाँ कैसे आ गया सर? किसका नंबर? अरे सर ये नंबर पे मैंने 9015005563, मतलब नहीं समझा मैं, आपने कस्टमर की बात कर रहे हो आप? हाँ जी मैं कस्टमर, प्लास कोली है कौन? भाई साहब मैं ही तो बोल रहा हूँ, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं ना कुणाल भाई के साथ, जिनका नाम है कुणाल। आप जुड़े हो कुणाल के साथ? हाँ इनका नाम है मिस्टर कुणाल कुमार, तो ये हमारे भाई हो, मतलब सबकी मदद करते हैं हम सबकी। सर रोटेट करवा लीजिए, रोटेट में मैं तो आपसे कुछ लूंगा नहीं, आप तो वाली बात है ना आपका। देखो मैं मानता हूँ आप एक तरीके से कहने के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी बताइए, मालिक आप देखिए आप जब इतना खुल के बोले तो मैं भी खुल के बोलता, हम लोग को सर देखिए टारगेट मिलता, आपको ही पता है सर अभी टारगेट का कुछ नहीं है। कितने कितने करोड़ की फाइल हाथ में है सर? अभी तो हमारे पास तो फिलहाल 1,00,000+1 करोड़ जैसा फाइल है सर। 1 करोड़ का फाइल है, कितना है उसमें टारगेट? कलेक्शन पर है इनसे उसमें वैसे टारगेट पर? टारगेट पे हम लोग रहते हैं सर, कितना पे कह रहा हूँ, कितना है फिर भी हम लोग को कम से कम 60% 70% चाहिए होता है सर, मतलब 70 लाख हम लोग का सैलरी, तब जाके हम लोग का सैलरी जस्टिफाई होता है बहुत। मनी सैलरी तो हो जाएगा, इसको कहते हैं इंसेंटिव। वही इंसेंटिव सैलरी सर, देने के लिए तो बिना इंसेंटिव का कैसे जी पाऊंगा सर मैं, बताओ। तो 70 लाख रुपए मतलब निकालने पड़ते हैं आपको?
जहाँ से निकालो सर, खुद का दो जहाँ से करो, नहीं तो गालियाँ अलग से। ये वो तो जैसे कि मान लो आपका इंसेंटिव कितना परसेंट देता है? हमारा इंसेंटिव कितना मिलता है सर? हाईएस्ट आपको मिलेगा 10,000 तक जाता है हाईएस्ट, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक जाता है सर। झूठ बोल रहे हो भाई, आपने आपकी लाइन भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा सर। लाइन का ही बंदा हो तो आप पता कर लेना सर, हम लोग का पैसा उतना रहता नहीं है, फील्ड वाले को उतना मिलता ही नहीं है सर, फील्ड वाले को यार परसेंटेज नहीं रहता है अगर सर, आप मेरे परसेंटेज मिलता ही नहीं है। आप मेरे जैसे पैसे डालोगे ठीक है और निकालोगे जी, तो उसके जो चार्जेस है वो आप लोगे। वही बोले ना, तो हम लोग का उसमें माइनस हो जाता है ना, जो भी एक्स्ट्रा जो ऐसे परसेंटेज के पे रहता है, बट आपका जो चार्जेस रहेगा मानिए जो भी आपका 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 जो भी चार्जेस लगा, वो तो हमारा लॉस होता है ना सर, तो हमारा उसमें बहुत ज्यादा लॉस। अगर हाँ, अगर आप चार्जेस पे करते हो, चार्जेस का 50% भी पे करते हो, समझ रहे हो ना, तब हम लोग को परसेंटेज मिलता है थोड़ा बहुत। काट के अगर आपको मान लो 25,000 भी मिलता होगा इंसेंटिव महीने का, नहीं नहीं मालिक इतना नहीं मिलता है यार, आप कुछ झूठ कैसे बोलो, इतना नहीं मिलता मालिक, सच बता रहे हो। हम लोग का चार्जेस देखो बताता हूँ, अब आपका 30,000 हो, 40,000 हो, जैसे आपके मैं बताता हूँ कितना चार्जेस है, 2,65,000 का है, 80-90 सर, 30-35,000 का आपके ऊपर चार्जेस लगा, आप सोचो ऐसा ऐसा सब पे चार्जेस होगा, बस 20,000, 25,000, 30,000, तो वो सब लॉस ही गया ना सर। कंपनी ने मुझे 70 लाख दिया ठीक है, अब मैं 70 लाख की जगह कंपनी को वापस कर रहा हूँ कितना, 50-40 ऐसे 50% चार्जेस में चला जाता है वो, आप मानो या ना मानो 50% से ज्यादा हम लोग का ना चार्जेस में चला जाता है। नहीं वो यार वो जाना ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि भाई सिर्फ 8,000 तो कुछ मिलेगा भी एफओएसपी में मिला था। मालिक मालिक आपको लगता है हर कंपनी का अलग अलग सीन होता है, आप क्या एजेंसी का नाम, क्या एजेंसी का नाम? बेमी इंडिया। बेमी इंडिया नहीं है कभी, उस समय मिला था नाभी वाला बंदा था वो ठीक है, वो क्या डायरेक्ट होता है डायरेक्ट, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं, हम लोग थर्ड पार्टी है भाई, वो डायरेक्ट वाले को ज्यादा है भाई, डायरेक्ट वाले को जो होगा उसको ज्यादा होता है, हम लोग थर्ड पार्टी है। तो वो बोल रहा था कलेक्शन से, कलेक्शन पे 10% ले लेते हैं और मैं निकाल लेता हूँ कलेक्शन, इतना देने लगे तो फिर भाई सब कोई राजा आदमी हो जाए, तो एजेंसी वाला ही सब काम करना स्टार्ट कर दे, थर्ड पार्टी को डेटा मिलेगा ही नहीं। तो भाई एक ही बात बोलना चाहूंगा आपसे जी मालिक, बताइए। मैं इसको जो है ना अभी कम से कम मान के चलो आप राइट ऑफ के बाद ही सेटल करूंगा, और मैं इसका रोटेट करा कर डीपीडी नहीं बिगाड़ना चाहता। रोटेट नहीं करवाना चाहते आप? हाँ जी, डीपीडी बिगड़ जाएगी ना अपनी डीपीडी। कहाँ 2 महीना हुआ है सर, दिक्कत वाली क्या बात है, ज्यादा हुआ भी नहीं है, 2 महीने हुए हैं, अगर रोटेट करवा लेते तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। आपको मैं कर देता, लेकिन पता है हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंड है, आप मानो या ना मानो, हमारी भी फैमिली है, हमें भी फैमिली सलामी करती है, अब नाम लोग का टारगेट होता है तो सीनियर गाली गलौज सब करते हैं, सब करने के लिए एग्री हो जाते हैं सर। कलेक्शन लाइन में हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा यहाँ गाली इजी है सर, माँ बहन मतलब क्या ही बोलो, छोड़ो यार आपको तो सब मालूम है। तो आपके साथ तो सीनियर ऐसा मिसबिहेव करते हैं? अरे सबके साथ होता है सर, मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है भाई ऐसा, तो मतलब एक बार को मतलब इतना तो होता है, डांटते चिल्लाते नहीं नहीं होता है, जब प्रेशर रहेगा ना सर तो सब कुछ जायज हो जाता है सर, उस समय प्रति सुनना सहना पड़ता है, समझो यार अभी के टाइम में अगर ऐसा भी कमाना आसान नहीं होता, बात ये है। इस तरीके से भाई मुझे अपनी तरफ से थोड़ा शब्द ऐसे है जो आपकी आपकी जो दिक्कत है वो बयां करें, मतलब यार आपकी कुछ ज्यादा मारी जा रही है, अब क्या करोगे सर, लाइफ है, अब भाई फैमिली है, सबकी जिम्मेदारी है, बस 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 उसी के लिए तो होता है, नहीं तो मैं क्या बोलूं, मैं कौन सुनने के लिए आज के समय बैठा है बताओ, बड़ा मतलब दुख हुआ भाई आपसे कथा सुनकर, बड़ा दुख हुआ यार, हर इंसान के लाइफ में एक दुख होता है, अब वो इंसान सबसे बयां नहीं करता ना, जहाँ लगता है नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है तो उसी सामने ये चीज बयां होता है, दिल से निकलता है सर, हर किसी के सामने बयां भी नहीं किया जाता, बस दिल से निकलता है सर, और कोई बात नहीं। बातों में जब आपने देख लिया ना अपने ही, मतलब आपने ही बनना है। हाँ जी मालिक, क्योंकि आप तो कलेक्शन लाइन से हो, मैंने वही देखा आपका जब डिटेल देखा तो बोला उससे देखे, भर भर के भाई कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना, बस थोड़ा तो आपका सपोर्ट रहेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मालिक देख लो थोड़ा अगर हो सकता है, कि क्योंकि जो भी है हम लोग अपनी तरफ से देने के लिए एग्री है, आपसे मैं एक कुछ एक पैसा तक नहीं लेने लूंगा, जो भी होगा हमारे तरफ से होगा, इसलिए मैं
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्या भाई बताऊँ। मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अभी फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी मदद कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप जब फ्री हो जाओ बहुत, समझ रहे ना, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि नहीं अभी का अभी करवाओ, समझ रहे ना। समझ गया और ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए 2 तारीख से पहले अगर आप रोटेट करवा लेते तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, और कोई बात नहीं। ठीक है यार, किसी के कारण किसी ये का मुझे यार भला हो तो ये मुझे चलता है सुनकर यार। बहुत दुख हुआ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि सीनियर यार गाली बक रहे, तो भी ऐसी ऐसी क्या करोगे सर, फैमिली बड़े दुख है, बच्चे हैं, सुननी देखना पड़ती है भाई, पड़ता ये भी सही है। मैं आप एक काम करो ना, है। हाँ जी मालिक, कोई और जॉब वगैरह नहीं मिल रही क्या? तो वहाँ पे देखो क्या मिलती है, कितना 12,000 15,000, हाईएस्ट 15,000, तो उसमें क्या मैं चलेगा, रूम रेंट पता है मालिक समझ कितना गया, आएगा, छह रूम रेंट हजार होगा सात फिर हजार 5,000 रूम 6,000 रेंट, और में बच्चे का आपका अलग, फैमिली का आपका नहीं, अलग, नहीं आपका माँ मैं बाप को बताता भी हूँ, देखना पड़ता है मैं सर। बताता हूँ आपको, आपके लोगों को पहले तो रूम रेंट, फिर आ गया बिजली, अरे हाँ बिजली 10 रुपये यूनिट है मालिक, 10 रुपये यूनिट। हाँ जी किराए पे जो भी रहता है सब जगह 10 रुपये यूनिट है। भाई कितना किलो वाट का मीटर है? मीटर नहीं है, हम लोग को रेंटेड में देता है सर, मीटर दिया कहाँ है, हम लोग रेंट पे रहते बहुत हैं ना, बहुत महंगा यार, नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम दस जहाँ रुपये पे भी यूनिट सब जगह है सर, आप नोएडा साइड कहीं भी पता कर लीजिए 10 रुपये यूनिट है सर। नहीं वहाँ पे थोड़ा अच्छे चाह रहे, फिर ये तो यार हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर हाँ जी तो ऐसा है, आप अपना बिल खुद भरो अपने मीटर का, ऐसा ऐसा हाल है। तो मीटर हम लोग को सब मीटर दिया गया है, सब मीटर मतलब समझ रहे हैं ना, सबको एक एक मीटर सब मीटर ठोक दिया गया है, अपना जो भी जलाओ 10 रुपये यूनिट। तो वो और तुमसे जो तुम्हारे जो वहाँ पे जो रेंट ओनर होंगे, मतलब जो भी रेंट देते हैं रेंडर, हाँ जी तो तुमसे वो पैसे 10 रुपये यूनिट के हिसाब से लेते हैं, अपने आप ही जमा करते हो? नहीं नहीं मुझसे लेते, जैसे रेंट हुआ ना, रेंट मानिए 6,500 रुपये रेंट हो गया, और जो आपने बिल जलाया उसका अलग से, और 100 रुपये सफाई चार्ज वो अलग से। अरे यार बड़ा दुखद खबर है यार, कैसे कैसे बंदा यार घर चला रहा है, मतलब और भी मुझे और भी तुम जैसे भाई बंधु मिले। मेरे मालिक अभी देखेगा ऑनलाइन सर, बाहर निकल के दुनिया नहीं, देखना नहीं सर, मैंने देख रोना आ लिया भाई, जाएगा सर, मैंने मैंने रोना आ बहुत जाएगा सर। सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत गरीबी में टाइम काटा है बहुत, आपने इतना आपने मतलब एक तरह से मैं ये नहीं कह सकता आपने ज्यादा काटा है मैंने ज्यादा काटा है, लेकिन मैंने बहुत टाइम काटा है, आज थोड़ा हालात उसकी कृपा से ठीक है, लेकिन मैंने बहुत गरीबी में टाइम काटा है मालिक, हम भी सोचते हैं कि हालात ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, आप क्या बताऊं सर, अरे बस आप कभी उसपे कुछ विश्वास कभी रखो, कुछ कभी कुछ उस पर विश्वास रखो आप। विश्वास, अरे मालिक विश्वास है तभी तो, विश्वास है तभी तो गाली सुन के भी सब कुछ। अरे सर आपको इज्जत से बात कर लिए बहुत अच्छा लगा, तब मैं अपने दिल की बात बता दी, नहीं तो ऐसे ऐसे कस्टमर है जब क्या बताऊँ, नहीं वो क्या छूटते है ही गाली, छूटते ही गाली। पता क्यों देते हैं वो झूठते गाली, आपके जो कॉलर होते हैं ना गाली वाले, या कहीं ना कहीं आप जैसे मान लो कोई जिद्दी कॉलर है उससे कह दिया भाई 1 महीने बाद देंगे सर, क्यों नहीं हो रहा, तो फिर उसको बता दो कि अच्छा भाई अच्छा कहीं ना कहीं मेरे पास पैसे नहीं है 1 महीना लगेगा सर, ऐसे वैसे वो राय देते हैं तो उन्हें। हाँ उनको भी, हाँ उनको भी भरा जाता है तब जाके वो सब सामने वाले को भरते हैं, अब समझ रहे तो ना। समझ गया आपकी मजबूरी यार, अरे आपके सर जो वो कॉलर है तो ना, कुछ भी नहीं है सर, वो तो कुछ नहीं है, फील्ड में ऐसे ऐसे डायरेक्ट कॉलर पकड़ के मतलब क्या बताऊँ, हमारा हाँ कोई हाँ आप कस्टमर हो आपको भर दिया गया पिछली एजेंसी वाले ने, ठीक है आप जैसे जाओगे सीधा आपका मतलब कॉलर भाई कैसे ये वो, तब मैं उनको समझाता हूँ ऐसा ऐसा नहीं है भाई, देखो होता है हर एजेंसी में डेटा मूव ऑन होता है, रोटेट होते रहता है, आप इस एजेंसी में है तो फिर साइकिल बढ़ता है, तो आपकी तब जाके एजेंसी वो पे ये जो केस है कितने महीने तक टिकता है? बस 2 महीने का, 1 महीने ही रहेगा हमारे पास सर, फिर इस मंथ के बाद फिर दूसरी एजेंसी में, ऐसा होता है सर। तो नहीं बहुत सी एजेंसी में एनपीए तक टिक जाता है टेक लेके? नहीं 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 वो ऐसा कुछ ही नहीं, अभी बकेट्स में आपका केस, 6 महीने तक ना आपका बकेट्स में रहेगा केस। नहीं जैसे कि बहुत से जो एजेंसी होती है ना, जैसे मान लो SBI की कोई ब्रांच है, अब SBI का केस उसी एजेंसी पर जा रहा है तो वो रोक वो लेता है फंडिंग एनपीए करते हैं, वो फंडिंग करते हैं, तो हाँ आपका हाँ पेमेंट खुद करके आपका डेटा होल्ड करवाते हैं। अच्छा तो आपके पास क्या कहते हैं 2 महीने तक रुकता है केस? नहीं हमारे पास 1 महीना, 15 से 15 पंद्रह बिल जनरेट आपका 16 का होता है ना, नहीं 16 से 15 ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है, 1 महीने रुकता है, लेकिन हाँ फंडिंग कर रही है आपकी बात ठीक है, डाटा को होल्ड कर दिया जाता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता, एनपीए में जाने ही नहीं देता है, समझ रहे ना, तो वो आप ये सीन ये हो जाता है, वही होल्ड करके आपका डेटा ना रख देता, आप कितना 3 महीना 6 महीना वेट करोगे? मैं भी कभी कलेक्शन में TL हुआ करता था ना। अच्छा अच्छा कलेक्शन में तो तब तो आपको हर एक चीज मालूम होगा तो डेटा के बारे में, तब तो पता है लेकिन मुझे भाई आपकी सुनकर बहुत, क्योंकि ऐसा मैंने कभी भी अपने जो जूनियर थे ना अपनी टीम की उसके साथ कभी देखो नहीं भाई। एजेंसी की बात हो, एजेंसी पे डिपेंड होता है, और देखो और जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको उतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है, समझ रहे ना, उनको उसके साथ उतना प्रतिनिधि नहीं किया जाता है, जो फील्ड में रहते हैं ना मालिक,
उसके साथ थोड़ा ज्यादा जाती है, हो जाता है कुछ नहीं। नहीं वो तो फिर नहीं, वो तो ठीक है, बाकी जागती है भी, जैसे अभी आप पीटीपी ले गए, बाद में वो पीटीपी बीपीटी हो गए तो आपको गाली पड़ेगी, उससे क्यों नहीं लाया गया पैसा। वो तो है, बड़ी बहुत खबर है बॉस से। मतलब मेरे जो तीन नीचे काम करते थे, एफओएस भी तो संभालता था मैं, तो मैं ऐसा मिसबिहेव नहीं करता था। डांटना एक भाई, मुझे डांटना पड़ता, देखो सीनियर है तो उसका फर्ज तो निभाना पड़ेगा। अरे अभी देखो, अभी डेटा अभी नॉर्मल है, 15 दिन के बाद ना फिर फिल्म पिलाई स्टार्ट। एनसो तो वहाँ क्यों नहीं गया, खाट मारा रहा था या क्या कर रहा है? मतलब तुम्हारी एजेंसी में डायरेक्ट गाली दे देते हैं, अब क्या करोगे सर? करना पड़ता है, दुखद खराब। वहाँ पे दो दिन भर क्या किया, कहाँ पे क्या करवा रहा, सब घर पर क्या बताऊ, ऐसे ऐसे वर्ड। तो क्या रिप्लाई पता है? अरे सॉरी सर, वहाँ पे विजिट में वहाँ पे लेट हो गया, यहाँ पे ये कस्टमर था सर, बारिश हो रहा था सर, ये प्रॉब्लम हो गया, बाइक खराब हो गया, ये सब ऐसे सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, जिंदगी सॉरी में गुजर गए, क्या बताऊँ चल रहा है। आपसे बात करके मुझे दुख भी हो और कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है, कोई अपना जैसे बंदा बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं। आप मानो ना मानो, आप पहले कस्टमर जिससे मैं अपना ये इतने डीपली मैं मतलब हंसी भी कर रहा हूँ, दुख भी बया कर रहा हूँ, और क्या बताऊँ, सब कुछ बया कर रहा हूँ जी। पता है भाई, आपकी समस्या जल्दी दूर करे ऊपर वाला। जरूर भाई, दुआ आप लोगों की रहेगा तो जरूर होता। मैं तो प्रार्थना करूंगा भाई, आपको वैसे भी ज्यादा जरूरत है जी सर। प्लस जी बस एक रिक्वेस्ट है, देखिए अगर हो सकता है तो आपसे मैं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, जहाँ तक होगा यहाँ तक जो हम लोग का रोटेशन चार्ज होता है 1.8%। भाई देखो मैं आपको सही बता देता हूँ, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, मैं रियली बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कस्टमर के भी आपसे, जो आपको मैंने आईडी दिखाई थी ना जी, वो थी हमारे कुणाल भाई की, मिस्टर कुणाल कुमार है जी। तो मैं कस्टमर के भी आपसे बोल रहा हूँ, हम उनका केस हैंडल कर रहे हैं, जो उनके साथ बदतमीजी गाली लो, जो उनको एडवाइस वगैरह हम देते हैं, सारा हम हैंडल करते हैं। अच्छा अच्छा जी जी। हाँ तो भाई एक तरीके से हमने ये केस ले लिया, अब ये पेमेंट भाई अगर ऐसे आपकी दुख समझते समझ के ऐसा लग रहा है मेरा होता तो मैं दे भी देता, रोटेट करा लेता जी जी, लेकिन वो कस्टमर राइट ऑफ के बाद ही अपने सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि हम उनको एडवाइस में यही बताते हैं भाई, यही निकलने का रास्ता मल्टीपल सेटलमेंट करवा लेना, ये करवा लेना अभी। तो भाई हम कभी भी ऐसा नहीं है कस्टमर को जानबूझ के रोकते हैं, हमारा कोई बेनिफिट होता है जो भी रियल है। अगर कस्टमर फंस गया मल्टीपल डेब्ट में, उसके पास 30 लाख का डेप्ट है, तो भाई वो निकल ही नहीं सकता कितना भी दे दे जी, वो तो बात है। या तो वो पूरा 30 लाख दे दे या फोर क्लोज करके जो भी 28 लाख बन रहे हैं उसके वो दे दे, या तो उसको सेटलमेंट कर ले राइट ऑफ के बाद, जो भी जैसे मैंने वन काट का लेटर दिखाया आपको। अगर मैं आपसे 25 या 20% की डिमांड करूंगा, वो मैंने उसका बोल दिया था आपको पहले लैंडिंग काट का 11%, बहुत सारे लेटर है ना तो हम भी घूम जाते। मैं तो वो देखा सर, बहुत बड़े बड़े बैंकों का लेटर है आपके पास, बहुत सारे। अभी एक और भाई से बात हुई थी, उनका नाम था राहुल, राहुल क्या नाम था भूल रहा हूँ, गुजर था भाई, बहुत अच्छी बात हुई। तो हमारा क्या है ना, तो हम राइट ऑफ के बाद बोल देते हैं भाई सेटल कर लेना, 20-25% में आराम से बैंक मान जाएगा जी जी सर। तो बाकी इसलिए मैं आपकी इसमें तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा केस होता तो शायद मदद जरूर कर देता। नहीं एक बार देखिए, बात करके देखिए कि ऐसे सब आता है कि अगर रेट करवा लेते तो उसमें कुछ होगा नहीं, ये है कि फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और ये कार्ड ना हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, मैंने जो आपको बताया यूट्यूब चैनल भी, हम उस पर भी एडवाइस देते हैं, हमने बता रखा है कि भाई रोटेट को मना कर दे, तो हम एक तरीके से अपनी तरफ से कहेंगे भाई रोटेट करा लो, तो कहीं ना कहीं मना ही हो जाए, क्योंकि उसको भी राइट ऑफ के बाद अपना देखना है भाई हमारे। अच्छा मना ही कर देंगे बहुत से, तो हमारे ये समझ लो जो बड़े बड़े कार्ड होते हैं ना 4 लाख का 5 लाख का, हाँ जी हाँ जी, उसमें भाई हमारे कहते हैं जो रिकवरी वाले भाई हैं कि सर परसेंटेज ले लेना, रोटेट करा लो सर, 5 हजार ले लेना, ऐसे कर, क्योंकि भाई कमीशन मोटा मिलता है, इंसेंटिव। अच्छा तो भाई ले लो ना, ऐसे पार्टी को मिलते हैं सर, अच्छा खासा इंसेंटिव। हाँ तो वो कहीं ना कहीं एक से तो हमने डिमांड करी थी, बढ़ जाता है मजाक मजाक में, एक से हमने डिमांड कर दी थी मजाक मजाक में, हम डिमांड कर देते हैं अच्छा। भाई आपको जो है ना 15 हजार देने पड़े, वो कह रहा सर दे लो 5-7 हजार ले लेना, मतलब अपनी तरफ से देने को तैयार हो गया मतलब। अच्छा अच्छा, तो ऐसे भी तैयार रहते हैं, बाकी दुख समस्या बहुत, आप सुन के मेरे खुद आंख में आंसू आया भाई, क्या समस्या। अरे यार कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं बस दुआ करूंगा कि आप जो है ना, आपके जो भी और केस हो वो कहीं ना कहीं आपको पेमेंट दे ही दे, आपके सीनियर से भी आप बोलो, आपका इंसेंटिव भी बन जाए। जरूर सर देखिए, और एक और दुआ करूंगा और आपसे एक तरीके से एडवाइस भी दूंगा, इस तरीके से आप मान लो भाई मान लो अपना,
जी बताइए सर। भाई जॉब के ऊपर कितना भी घर परिवार पाल लो, लेकिन इतना काम नहीं हो पाया। कोई या तो आप जो है ना कोई शॉप वगैरह देख लो, छोटा मोटा उसके बिजनेस। लिए भी तो जगह चाहिए, पैसा चाहिए, सब नहीं, चाहिए किराए सर। वगैरह पर आप देख लो छोटी मोटी, वरना आप जो है ना जैसे आपको जी, कुछ टीएल वीएल बनो तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा मतलब अपने हम लोग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जी, तो तो आपको कुछ इंसेंटिव भी बढ़ेगा सैलरी में। टीएल की सैलरी मेरे हिसाब से होगी आपके कम से कम 25,000 करीबन तो होगी, 25-24 हजार। हाँ 30-25-30 ऐसे ही होगा। हाँ तो इतनी फिर उसके बाद उसका इंसेंटिव भी मान लो 15-15 नहीं ज्यादा होता, 20-25 हजार इंसेंटिव मान लो, अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या? अरे और क्या, आपको नहीं पता? अरे आपकी एजेंसी का मुझे हिसाब थोड़ा मुझे पता नहीं, बाकी टीएल का इंसेंटिव बहुत तगड़ा होता है, कम से कम ये समझ लो अच्छा 30-30 हजार ज्यादा भी पहुंच जाते हैं। ये सीन है ना। लेकिन अब वो मैं आपको बहुत एडवाइस दे रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन कहीं जरूर ना कहीं जरूर, बहुत कंडीशन के देख लीजिए एक ऊपर। बार फिर भी, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नंबर हमारा है, एक बार देख लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक बीच बीच में मैं कॉल करूंगा, जो अच्छा लगे आप लीजिए, एक बार मुझे बताना। अभी जरूर है, मैं अपनी तरफ से आपको कॉल बैक कर लूंगा खुद ही, अगर जैसे कोई मामला बनता है। ठीक जरूर जरूर, कोई बात नहीं सर, है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अच्छा लगा आपसे आपसे बात बात करके। करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, आपसे आपका भी दिन सर, शुभ रहे। आपसे भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच फॉर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।